अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हील पेन के। हील पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल बहुत से लोगों को ये शिकायत रहता है कि उसके हील में पेन होता रहता है। इसके बहुत से वजूहात हैं। आज मैं आपको इनके वजूहात के बारे में बताऊंगा कि किस वजह से हील में पेन होता है। इसके काजेज़ के बारे में बताता हूँ कि किस वजह से होता है। सबसे पहले प्लांटर फेशाइटिस, उसके बाद है बेक्स्टर नर्व कंप्रेशन, नर्व के कंप्रेशन की वजह से वो होता है। दूसरा है फैट पैड एट्रोफी, यानी फैट का हील में ज़्यादा जमा हो जाना। दूसरा बात है एकिलेस टेंडनाइटिस, उसके वजह से भी हो सकता है। हॉगलैंड डिफॉर्मिटी, इस वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द कैल्केनियस, इस वजह से भी हो सकता है। टार्सल टनल सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। लंबो सैक्रल स्पाइन रेडिकुलोपैथी के वजह से भी हो सकता है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये पेन किस वजह से है। आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ प्लांटर फेशाइटिस के बारे में कि प्लांटर फेशाइटिस क्या है। अक्सर औकात लोगों में सुबह उठते वक्त हील में पेन रहता है। इसकी वजह है प्लांटर फेशाइटिस। ये हमारा एक तलवे में यानी हील में एक टाइट मसल्स होता है जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। इसमें थिकनेस आ जाती है और ये स्वेलिंग हो जाती है इसमें, जिससे वॉकिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है और पेन होता है। ये आजकल एक कॉमन है। ये सुबह सुबह जब मॉर्निंग में हम जैसे फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो उस वक्त ये ज़्यादा तकलीफ़ देता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका तकलीफ़ कम होता जाता है। ये अक्सर औकात बोन ग्रोथ की वजह से भी होता है। ये सेंटर में पेन होता है और टेंडरनेस भी महसूस होता है इसमें। ये जहाँ ये दायरा दिया हुआ इस जगह पे सीवियर पेन रहता है और टेंडरनेस भी। इसके लिए एक्सरे कराया जाता है जिसमें बोन ग्रोथ दिखाया जाता है, जो बोन इस पर है। ये प्लांटर फेशाइटिस टेंडन के टाइट होने की वजह से भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो नाइट स्प्लेंट, फिजिकल थेरेपी, कोशन हील, सिलिकॉन इंसर्ट, कॉर्टिजोन इंजेक्शन, एकाइलिस टेंडन स्ट्रेचिंग हो सकती है। आज का वीडियो ये है।